कन्वर्सेशन, क्या जो ये पूर्ण फिल्म है, क्या क्या कहानी है, क्या सब्जेक्ट है, क्या किरदार है? आप तो तीन तीन किरदार निभा रहे हैं, निर्देशक का भी, नायक का भी, और सो आपने प्रोड्यूस भी किया है राहुल बोस कंपनी से, और सर आपकी कंपनी भी एसोसिएटेड है, तो कुछ बताएं इस बारे में सर। देखिए, ये एक बायोपिक है, पहले तो हम ये बताएं। 13 साल की आदिवासी गरीब लड़की वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करती है टू बी द यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम एवरेस्ट। तो इससे आपको साफ जाहिर है ये कैसा फिल्म है। हम शुरू करते हैं ये दिखाने के लिए कि एक लड़की जो गरीब है, जो आदिवासी है, वो कहाँ पे रहती है, एक कुटी में अपने गांव में। आप और हम जानते हैं कि आप अगर आप गरीब हो इस देश में तो उस गरीबी से निकलने में क्या कितने डिफ़िकल्टीज होते हैं। आप आदिवासी हो तो उसको ब्रेक करने के लिए, आप कहीं पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। आप लड़की हैं जहाँ पे रीत रिवाज है कि 12 साल की लड़की को तक शादी हो जाना चाहिए, इसको एस्केप करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो ये हम वहाँ से शुरू करते हैं और हम दिखाते हैं हाउ शी एंड्स दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर। तो ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है और ये ट्रू स्टोरी है कि उसने क्या किया, कहाँ पे उसने काबिलियत दिखाई, कहाँ पे उसने उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, कहाँ पे समाज ने सपोर्ट नहीं किया, कहाँ पे ये हुआ, कहाँ पे वो हुआ, कहाँ पे नहीं। तो 13 साल की लड़की एवरेस्ट पे, फर्स्ट ऑफ ऑल शी शुड हैव डाइड, इट इज बायोलॉजिकली अ मिरेकल। उसके बाद एवरेस्ट ने रूल्स बदल दिए, अब रूल है कि 18 के नीचे आप एवरेस्ट क्लाइम नहीं कर सकते। अभी हमने सुना है कि 4 क्लाइमर्स डाइड, वो 13 साल के नहीं थे, वो तो 35 साल के थे। सो इट्स अ मिरेकल, बट इट्स ऑल्सो मिरेकल ऑफ होप एंड करेज कि इस देश में जहाँ पे हम गरीबी देखते हैं, हम कास्ट का प्रॉब्लम देखते हैं, हम गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, इस देश में ऐसा भी हो सकता है। दैट करेज हैज़ नो लिमिट, ये हमारा हैशटैग इनफैक्ट इज करेज हैज़ नो लिमिट। सो इट्स अ वेरी, इट्स रोंगटे खड़े हो जाते हैं फाइनली कि जब वो शिखर पे पहुँचती है, और ये छोटी फिल्म नहीं है, ये बड़ी फिल्म है, सिनेमास्कोप फिल्म है, हम एवरेस्ट के शिखर पे पहुँचते हैं। मैंने वर्ल्ड में एक्चुअल सर्वाइविंग फुटेज लेटेस्ट फ्रॉम 2014, उसके बाद और फुटेज नहीं है क्योंकि माउंटेन बंद था 2014 में और 15 में, एक एवलांच के लिए, एक अर्थक्वेक के लिए, अभी 16 में खोला है, 16 का फुटेज अभी तक निकला नहीं है। तो 14 एवलांच के पहले 14 में जो फुटेज था वो मैंने सोर्स किया है बहुत पैसों देकर, फ्रॉम द टॉप एक्सपीडिशन 5 जन पहुँचे ऊपर, उन पे उनके पास गोप्रो कैमराज थे। तो शिखर से जो दिखाई देता है पहली बार आप देखो, सो द फुटेज इज फैंटास्टिक देयर। तो अब यहाँ से वहाँ तक पहुँचते हैं, लगता है कि क्या ये 8 फिल्म है, बिल्कुल नहीं। फिर जैसे खुलता है फिल्म, खुल के वहाँ पहुँचता है, इट्स टोटली इंस्पिरेशनल। नहीं, मैंने तो लिया 14 महीने पहले, मुझे क्या पता था कि सरबजीत निकलेगी और नीरजा निकलेगा और मेरी कॉम, मुझे पता मेरी कॉम निकला हुआ था, लेकिन नीरजा, सरबजीत और साथ में एक और धोनी निकल रही, अजहर, हाँ, तो मुझे कभी नहीं लगा। और कहीं कहीं ने अच्छा बिजनेस किया और कहीं ने अच्छा बिजनेस नहीं किया, तो ऐसा नहीं कैलकुलेशन हो सकता है। कैलकुलेशन यही हो सकता है कि आप किस तरीके से फिल्म बनाओगे। आप नीरजा जाने के लिए देखते हो तो आपको क्या लगता है, इस लड़की ने बलिदान किया है, हिम्मत दिखाई, क्या किया उसने, देखना पड़ेगा, मरेगी तो डेफिनेटली, तो आपको एक फील होता है कि चलो हम देखते हैं, करेक्ट। तो पूर्णा देखने के लिए लोग क्यों जाएंगे, बहुत साफ रीजन है कि 13 साल की लड़की ने कैसे किया, आदिवासी गांव से उसने कैसे कैसे किया। इसलिए हम पूछ रहे हैं हमारे पब्लिसिटी कैंपेन में कि आप जब 13 साल के थे आप क्या करें? मैं अगर जवाब दूं तो मैं सच में 7वीं कक्षा में था, लंच बॉक्स खाता था, क्रिकेट खेलता था, और होमवर्क जब होता था तो मैं रोता था। कहां मैं और कहां ये लड़की,
तो अगर ये लोगों को, तो एक अगर एक बाप देख रहा है अपने बेटी से कहेगा देखो बेटी देखो, अगर एक लड़की देख रही है, अगर एक गरीब देख रहा है तो वो भी कहेगा कि मतलब ये मुमकिन है, किसी छोटे गांव में आदिवासी बैठा है तो, बिकॉज इट्स अ ट्रू स्टोरी, मैंने लिखा नहीं है, इट्स अ ट्रू स्टोरी। इसलिए जो होप है इसमें वो 100% होप होता है, रियल होता है, दैट्स इट, दैट्स व्हाई आई प्रोड्यूस्ड इट, क्योंकि मुझे तो ये बॉक्स ऑफिस विनर लगता है, कौन नहीं देखेगा, क्यों नहीं देखेगा। हाँ, फिल्म अगर बुरी है अलग बात है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ जो परफॉर्मेंस आप देखोगे यहाँ पे, ये साल के अमंगस्ट द टॉप 5 परफॉर्मेंसेज होंगे, मैं दावे अभी से कह रहा हूँ, अब मैं इंटरव्यू में कह रहा हूँ, फैंटास्टिक। सर, क्योंकि क्योंकि ये एक विषय ऐसा है जिसे लोग देखना चाहेंगे और एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि कहानी वो पहुंची कैसे, लेकिन जब आप उसको शूट कर रहे थे तब सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक। शुरुआत हमने की अमित, हमने की दिसंबर में, दिसंबर 1st, आप उसके पहले आए थे हैदराबाद वर्कशॉप के लिए, हमने शूटिंग किया था पहले दिसंबर 1st पकाला विलेज में, जो हैदराबाद से 6 घंटे दूर, होटल से 2-2.5 घंटे दूर, तो मतलब ट्राइबल तेलंगाना में, जहाँ पे गाड़ी भी नहीं है, और हम वहाँ जा रहे हैं 100 लोग अपने मेकअप वैन के साथ, इसके साथ उसके साथ, पूछो मत, नानी आ रही, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, ये पूर्णा की गांव है, पूर्णा वहाँ पे थी, रियल पूर्णा भी वहाँ पे थी, अरे 18 बार। तो वहाँ से 45 डिग्री सेंटीग्रेड से लास्ट शॉट हुआ 15,000 फीट सिक्किम में जनवरी में -15 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक स्नो, हर रोज 1,000 फुट मैं क्लाइम करता था, हम 14 पे थे, 15 तक पहुंचना है ताकि कुछ कहीं पे दिखाई ना दे, ऐसा कुछ जान का खतरा, बिल्कुल क्यों नहीं, फिसल जाओ तो मर जाओगे, तो हम अपने क्रू और अपने एक्टर्स को हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से स्नो सूट्स हमने दिए सबको स्नो शूज करना पड़ा। हर रोज सिक्किम में, हर रोज, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, सड़क पे बर्फ, रात भर बर्फ जम गया, क्या करें, गाड़ी कहां से निकाले, फिर मुझे लोकेशन मिला ही नहीं, जो मैंने लोकेशन रेकी किया था अक्टूबर में, मुझे मिला ही नहीं, ये जनवरी की बात है, मैं देख रहा हूं क्या करें, कहां जाए, यहां पर शूट करते, वहां पर शूट करते, चलो सीधा अप द माउंटेन, हर रोज। तो बहुत से किस्से हैं मेकिंग ऑफ में, आप देखोगे बहुत से किस्से हैं, जो भोंगीर रॉक 600 फुट हाई एक रॉक है, 600 फुट का मतलब क्या है, ओबेरॉय टावर्स है डायमंड पॉइंट में, उसका डबल। अब आप ऊपर जिमी जिम है, बीच में ड्रोन है, नीचे एक कैमरा, उस तरफ ऊपर से दूसरा कैमरा, ये छोटी बजट की फिल्म नहीं है, अब इसको मैनेज करने में, ऊपर बाथरूम में नहीं, तो अगर एक लाइट बॉय ऊपर से नीचे बाथरूम आएगा वो 3 घंटे लगेंगे वापस जाने में, तो मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा, रोज की जद्दोजहद, रोज यही सेम चीज़ 10 दिन वहां पे, 10 दिन पकाला में, 10 दिन सिक्किम में, 10 दिन हैदराबाद में, चल हैदराबाद इजी था, रियली टफ शूट, इट्स रियली टफ शूट। कोई दुर्घटना भी हुई शूट के दौरान? नहीं। हमने सोचा कि सिक्किम में हम 60 लोग ले जाएंगे, लेकिन करते ना करते इक्विपमेंट लेके ये वो पोर्टर्स वाटर्स लेके 100 जन। वाइल्ड शूटिंग आपने कभी सोचा कि जब आप लेट इट बी जाने दो, इस टॉपिक को छोड़ते हैं, कभी हिम्मत टूटी आपकी? कभी नहीं। पहले दिन की शूटिंग पे हम अहेड ऑफ शेड्यूल आए, पहले दिन के शूटिंग पे मैंने 3 घंटे पहले पैकअप किया और पूरी शूट को हम 1 दिन पहले शूट रैपअप किए। हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना बेहतर था, हमारी टीम इतनी बेहतरीन थी, लेकिन सबने
जितना पैसा उनको मिला उसके डबल उन्होंने मेहनत की। तो लगभग लगभग हम समझ सकते हैं ये शूट पूरा हो चुका है, हो गया है, फिल्म रिलीज के कगार पे है। हाँ। अक्टूबर नवंबर। सर हमें आप ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि आप किस भूमिका में हैं, पूर्णा की कास्टिंग कैसे हुई और आप किस भूमिका में हैं? देखिए पूर्णा की कास्टिंग हुई 109 लड़कियों को देखने के बाद। हमने पूरे ट्राइबल स्कूल्स जो हैं छानबीन करके हमने सबका ऑडिशन लिया, किन को भी, पूर्णा को भी, वो सिर्फ स्कूल में एक्टिंग करती है, जो अदिति जो है, लेकिन अदिति ट्राइबल नहीं है, वो तेलंगाना की है लेकिन ट्राइबल नहीं है। उसके साथ मैं ऐसे बैठ के मैंने ऑडिशन की, 2 घंटे मिले, उसको कुछ एक्सरसाइजेस किए, वो रोने भी लगी, तो मुझे लगा कि हाँ इस लड़की में है, इनकी आंखों में। अमित जब आए वर्कशॉप के लिए, उसकी एक बहन है फिल्म में बड़ी, उसकी एक्टिंग बहुत अट्रैक्टिव एक्टिंग है, आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छी, लेकिन पूर्णा की एक्टिंग बहुत सहमा, बहुत क्वाइट, जैसे मैं एक्टिंग करता हूँ। जो आपने ऑब्जर्व किया, हाँ, असली पूर्णा को देखे? नहीं, ये असली पूर्णा का कॉपी नहीं है, ये असली पूर्णा जैसे करती है, जिस जैसे उसने किया है वो करती है, लेकिन इमोशनली दे नॉट द सेम पर्सन। तो अमित ने मुझसे कहा कि बहन बहुत अच्छी एक्ट्रेस दिखती है, पूर्णा इज क्वाइट गुड। ऐसे अमित फिल्म के बाद मुझे बताना। अभी अमित ने फिल्म देखा, आप उनसे पूछिए। अमित जी, जब आपने पहली बार इस विषय के बारे में आपसे सुना और ये चाहते थे कि इस विषय पे कुछ बनना चाहिए, तो आपके रिएक्शंस क्या थे और किन किन क्या चीज़ आपके सबसे पहले दिमाग में आ रही थी कि कैसे बनेगी, या आपने इनका साहस हिलाया, या फिर आपने इनको एक एक दिलासा दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं आगे बढ़ूंगा, क्या 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 चीज़ें थी होनी चाहिए जो आपने शेयर की? तो हमने भी अपना रे मीडिया नया लॉन्च किया लास्ट ईयर, एंड हम लोग को ऐसे बजट मूवीज़ बनानी थी जो कमर्शियली इट विल मेक गुड मनी एंड गुड स्क्रिप्ट। तो हमने 2-4 स्क्रिप्ट देखे थे लेकिन कुछ अच्छे पसंद नहीं आए। फिर राहुल हैड कम टू मी एंड ही नरेटेड द स्क्रिप्ट, तो इन दैट वन सिटिंग आई वॉज इंस्पायर्ड बाई द मूवी। मेरे को लगा कि ये इट इज़ टेलिंग अ स्टोरी विच इज़ अ ट्रू स्टोरी, पर जिस वे से राहुल ने नरेट किया और बोला कि मैं ऐसा मूवी बनाऊंगा विच विल बी अ कमर्शियल मूवी जिसमें हंसी मजाक भी है, इमोशन भी है, एंड इट विल ऑल्सो बी हैविंग एक्साइटमेंट। सो विद इन दिस 3rd or 4th मीटिंग आई हैड बैक्ड राहुल, आई सेड कि आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और एक्चुअली पहले तो 2-3 इन्वेस्टर्स साथ में मिलके कर रहे थे, देन आई टोल्ड राहुल कि लुक, सिंस आई एम पुटिंग अ लार्जर मनी एंड आई विल पुट 100% मनी बिकॉज आई फील दिस मूवी शुड नॉट हैव एनी डिसरप्शंस। नहीं, उनमें इतना भरोसा था। देखो ऐसा, अगर भरोसा नहीं होता तो आप रिस्क को स्प्रेड करते हो, आप थोड़ा लो, आप थोड़ा लो, फिर तो ताकि मेरा अगर जब घाटा होगा कम होगा, लेकिन जब आप श्योर होते हो ना, अब तो उन्होंने कहा देखो मैं पूरा लेता हूँ। सो ही फर्स्ट केम इन विथ मोर देन 50% और लिटिल बिट मोर, देन ही फाइंड टू गेट। और सर मेरा प्रश्न आपसे ये भी है कि ये कहानी का आपको लिंक कहाँ से मिला, ये पहली चिंगारी कहाँ से बनी? राइटर्स मेरे पास आए, राइटर्स आए कहानी के साथ, मैंने कहा ये बहुत सुंदर कहानी है, आप मुझसे क्या चाहते हो, जो आप किरदार निभाओ, जो पूर्णा का जो मेंटर है डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार, वो किरदार, उस किरदार के लिए हम आए हैं। फिर मैंने कहा कि प्रोड्यूस कौन कर रहे हो, तो हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं पैसे रेज करता हूँ, एंटर अमित। फिर मैंने कहा मैं प्रोड्यूस करूँगा, ये मेरी पहली फिल्म होगी, राहुल बोस प्रोडक्शंस का बैनर मैं अभी लॉन्च करता हूँ। सो लॉन्च इट। फिर करते 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 जब ऐसा होता है ना, तो फिर डायरेक्शन यार तो तुम ही करो ना, तुम इतने वाकिफ हो, तुम इतने क्लोज हो प्रोजेक्ट के, सो गॉट इनटू इट, जस्ट डिसाइड टू डायरेक्ट द फिल्म। हाँ, प्रोडक्शन डायरेक्शन एक्टिंग ज़्यादा है, अगले बार 1-2-3 में से एक तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन ये छोटी फिल्म नहीं है, ये सलीम सुलेमान ने म्यूज़िक किया है इसमें, और बेहतरीन म्यूज़िक किया है, मतलब मेन स्ट्रीम म्यूजिक, क्योंकि वो क्लाइमिंग कर रही है, तो एंथम चाहिए ना, हम होंगे कामयाब, चक दे जैसा, तो वैसे एक लिखा है हमने। और एक पूरा अरे सुने क्या, मैं था कंपोजिशन पे, हर मुकाम पे, हर मिनट पे मैं था, जैसे ही शब्द अमिताभ भट्टाचार्य लिख रहे थे मैं वहाँ पे था। तो शायद लोग नहीं जानते कि राहुल बोस मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म बना सकता है कि नहीं, इसके बाद सबको पता चल जाएगा।
हाँ, क्योंकि अब इस मेरे एक्टिंग करियर का एक स्टेज आ गया था कि वो जो मिस्टर मिसेज जो एवरीबडी सीज़न फाइन के बाद जो मिस्टर मिसेज आयर अप टू शौर्य प्राय के साइड इफेक्ट छनकार बीच चमेली जो भी है वो जो पूरा एक बहुत सुनहरा फेज मेरे लिए वो 2008-09 तक ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने 8 फिल्म्स किए बहुत जैपनीज़ वाइफ जिससे मुझे प्लेजर तो उतना ही मिला जैपनीज़ वाइफ मिडनाइट चिल्ड्रन हालांकि कुछ लव जैसा फ्लॉप था मुझे बहुत प्लेजर मिला उसमें शेषर कोबिता। तो अब मुझे लगा कि अब मैं डायरेक्शन करना चाहता हूँ तो इनफैक्ट मैं लिख रहा हूँ मेरा अपना स्क्रिप्ट जो मैंने अभी मैंने बैक बर्नर पर रख दिया है इस फिल्म के लिए। तो ये मुमकिन ही था कि अगले 1-2 साल में मैं डायरेक्ट करूँगा लेकिन क्या मैं प्रोड्यूस करूँगा ये मुझे इस फिल्म से तसल्ली आ गई कि हाँ बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर यू हैव टू मेक मनी एज अ डायरेक्टर यू हैव टू मेक अ ग्रेट फिल्म एज एन एक्टर यू हैव टू डू अ ग्रेट जॉब इन द फिल्म। तो एज एन एक्टर तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे कम है फिल्म भाड़ में जाए मेरा रोल अच्छा है तो ठीक है ऐसा आप सोचते हो मैं तो कभी नहीं सोचा ऐसा लेकिन ऐसा सोच सकते हो। एज अ डायरेक्टर आप कहते हो कि मैं ब्यूटीफुल फिल्म बनाऊंगा लोग आए ना आए लेकिन एज अ प्रोड्यूसर तुम्हें सोचते हैं कि यार लोग आएंगे कि नहीं क्योंकि मुझे अगली फिल्म तो बनानी है। सो दिस दिस इज हाउ द ग्रेजुएशन हैपेंड। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आगे भविष्य में 40% ऑफ माई टाइम विल बी इन डायरेक्शन 40% विल बी ऑन प्रोडक्शन एंड 20% विल बी ऑन एक्टिंग। अमित जी जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो आपने कुछ एडवाइस किया कि देखो राहुल आप सिर्फ एक्टिंग ही कर लो या प्रोड्यूस ही कर लो डायरेक्शन में मत जाइए क्योंकि इतना सारा प्रेशर आ जाएगा कुछ आपने एडवाइस दी या फिर आप कह रहे थे कि आप आगे बढ़िए मैं तुम्हारे साथ और समथिंग लाइक दैट? नहीं well at first I felt ki you know there'll be lot of burden on Rahul but when I saw ki ek itna involvement creatively pura script mein involved hain acting ka kedar nibha rahe main jo hero ka and he pura time de rahe hain ki Recce mein bhi gaye audition bhi dekh rahe hain so I said that he's then the best person then to continue the direction because then creatively best niklega picture ke liye so I felt ki it is best for the picture that he does the direction and I was backed him up on that film. Amit ji aapse bhi prashn hai sir aapse bhi prashn hai ab kitne satisfied hai jo apne kaam nikla hai jo ek result nikal ke aaya hai final jo print nikal ke aaya hai kitne satisfied hai aur abhi dil mein koi gunjayish hai ki chalo kuch aur badhiya kar lete hain kuch aur acha kar lete hain something like that kuch aisa bhi reh gaya hai ya bahut santusht hain aap kaam se apne? नो आई थिंक जो पिक्चर निकली है वो एक फुल कमर्शियल पिक्चर बनी है विथ अ वेरी लार्ज स्केल जिस हिसाब से बजट है उस हिसाब से आई वुड से डबल पिक्चर का वैल्यू लगेगा डबल या ट्रिपल इन टर्म्स ऑफ द फोटोग्राफी लोकेशन और अभी जो म्यूज़िक 3 टॉप गाने बने हैं सलीम सुलेमान और अरिजीत का सिंगिंग है सो पियर आई वुड से 95-97% satisfied on the outcome and it will do it will have a great commercial value. कभी कभी आपको ये भी लगा कि पैसे कुछ ज़्यादा लग गए या मैं और अच्छा कर सकता था ये आपकी मतलब प्रोडक्शन के मामले में आप जैसे एक्टिंग तो सर संभाली लेंगे वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर भी है इन आर कंट्री तो इस चीज को छोड़ के कभी आपने सोचा कि चलो इसको थोड़ा और बेटर कर लेते हैं या फिर कुछ 3D इफेक्ट्स डाले गए हैं या सब रियल ही रियल है सर ये आपसे भी ऐसे? नहीं मेरे हिसाब से तो जो जिस बजट में हमने बनाई पिक्चर एंड आई वुड गिव फुल क्रेडिट टू राहुल कि ही हैज मेड द पिक्चर इन द बजट देयर इज हार्डली एनी ओवर रन वेरी माइनर एंड पिक्चर उसे 3 times 4 times वैल्यू लगती है सो दैट हैज बीन अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एंड थोड़ा बहुत लगता है कि वी कुड हैव ऑलवेज डन बेटर इन सर्टेन सीन्स हियर वो तो आपको लगेगा बिकॉज यू वॉन्ट इट टू बी वेरी गुड। देखो फोकस ग्रुप्स हमें 8.5 to 9.5/10 दे रहे हैं अब इसमें कितना आप मायने रखते हैं मैंने उनसे मिला भी नहीं तो हम जानते हैं कि अगर तुम्हारे आंख गीले होते हैं रास्ते में तो फिर फिल्म इज वर्थ तो हो गया
हमने ऐसा निचोड़ के आपको हम निचोड़ नहीं आपको निचोड़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसा होता है आप जब फिल्म देखते हो ना इतना इमोशनल हो जाते हो कि इस लड़की ने कैसे किया, जब वो शिखर पे है ना फिर वो याद करती है उसने कहाँ से आई वो, और फिर आपका दिल टूटता है एक अच्छी तरीके से कि यार ये बड़ा स्टोरी, दैट्स द फीलिंग। शूट के दौरान कभी आप रोए हो या फिर हाँ आपकी आंखें नम हुई हो? हाँ मैं रोया जब वो शिखर पे पहुंच गई, जब हम शूटिंग कर रहे थे तो आई गॉट वेरी इमोशनल। और एक और बहुत सैड सीन है जब उसकी बहन के साथ कुछ होता है, आई गॉट वेरी इमोशनल। या डेफिनेटली आई माई सेल्फ क्राइड। इसका जो एंडिंग शॉट भी है ना उसमें आई ऑल्सो फेल्ट इमोशनल, इट इज वेरी वेल एंडेड मूवी, सो वो भी एक अच्छा। लेकिन अगर आप पूछ रहे कि कोई कमी रह गई, जरूर रही होगी, कहाँ पे एक क्रिएटिव शख्स सेटिस्फाइड रहता है कि मैंने परफेक्ट फिल्म बनाया है। Exactly. यार अगर एक सेकंड उसको होल्ड कर सकता था, अगर मुझे थोड़ा सा अगर और ये अब कहाँ तक जाओगे, यू नो, बट माई गॉड इट वर्क्स, आई नो इट वर्क्स, आई एम एन एक्टर, आई नो इट वर्क्स। माई टीम, माई डायरेक्शन टीम एंड माई सिनेमाटोग्राफर सुभ्रांशु दास, उसे अवार्ड ना मिले ना मिले मैं अभी उसे उनको एक अवार्ड दे रहा हूँ फॉर ग्रेट फोटोग्राफी, एंड माई टीम, माई डायरेक्शन टीम, उसके उनके बिना कुछ हो ही नहीं पाता। एक एक समय पर 60 बच्चे, उनको चेंज करना इन द माउंटेन्स इन द स्नो गेटिंग थिंग्स रेडी इट्स क्रेजी। आर टीम रोप्स VFX सेफ्टी हार्नेस ये वो, गॉड मैं सोचा कि राहुल बोस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यू नो शायद कोई और कमर्शियल आदमी बंदा वहाँ पे पहुँचता, एवरी थिंग एंड आई एम लाइक माय गॉड आई एम कंट्रोलिंग दिस होल थिंग, बट इट फेल्ट गुड। डेफिनेटली वन फाइनल वर्ड कि यू नो आई डोंट लाइक यू लव दिस फिल्म, हूएवर यू आर कम ब्रिंग योर किड्स और डोंट सी फॉर योर सेल्फ, इट्स अ फिल्म फॉर एवरीबडी, आई गारंटी यू यू लव दिस फिल्म। या आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूवी एंड एवरीबडी शुड वॉच इट एंड दे लव इट। सर थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू सो मच।